सर मेरा नाम पूनम नारंगी। इनकी बायोप्सी से पता चला कि इन्हें इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर है ग्रेड 2 और ये म्यूसिनस टाइप था। 2019 में हमें अक्टूबर के करीब पता लगा था। कैंसर इस एज ग्रुप में होता है तो जाहिर सी बात है कि पेशेंट को डिस्ट्रेसिंग एक्सपीरियंसेस ज़्यादा होते हैं। सर्जरी कर सकती थी मैं बट कीमो से मुझे डर लगता। हमने इनके लिए डेनवैक्स ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, साथ में एस्ट्रोजन इनहिबिशन थेरेपी भी दी इनको। काफ़ी अच्छा है और मुझे कोई इससे परेशानी भी नहीं हुई, जैसे नॉर्मल थी वैसे ही नॉर्मल। आज हम बात कर रहे हैं पेशेंट मिसेस पूनम नारंग की, जो 40-year-old फीमेल हैं और जिन्हें ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ था करीब अक्टूबर 2019 में। ये हमारे पास अक्टूबर में आई थी। इनके ब्रेस्ट में एक गांठ थी, एक छोटा सा लंप था जो 2x2 cm का था। हमने इनको एडवाइस किया कि आप इसको रिमूव करा लें, सर्जरी इस वक्त सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो इन्होंने सर्जरी कराई, इन्होंने लंप का रिमूवल कराया और जो वाइड एक्सीजन टाइप ऑफ सर्जरी होती है वो हुई और साथ में लिम्फ नोड्स की स्टडी हुई। इनकी बायोप्सी से पता चला कि इन्हें इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर है ग्रेड 2 और ये म्यूसिनस टाइप था। साथ में इनका हार्मोन रिसेप्टर स्टेटस पॉजिटिव था और HER2 न्यू स्टेटस इक्विवोकल था। हमने इनके लिए डेनवैक्स ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, साथ में एस्ट्रोजन इनहिबिशन थेरेपी भी दी इनको और इस तरह से ये जब से अब तक बिल्कुल ठीक है। ये क्लिनिकली बिल्कुल फाइन है और इनकी रिपोर्ट्स और स्कैंस भी यही बताती हैं कि ये बिल्कुल ठीक हैं। इस वीडियो में वो अपनी स्टोरी शेयर कर रही हैं, कैसे उनको कैंसर हुआ और कैसे उनका एक्सपीरियंस डेनवैक्स के साथ रहा। वैसे तो एक नॉर्मल गांठ थी अंडरआर्म्स में, उसका चेकअप कराने गई थी मैं तो लेडी डॉक्टर ने, फिर उन्होंने चेकअप किया तो उनको महसूस हुआ कुछ कि ब्रेस्ट में है कुछ, तो इसलिए उन्होंने मुझे टेस्ट लिखे। तो मैं मेरठ में फिर मैंने टेस्ट करवाए और मुझे एक साल हो गया, मतलब लगभग एक साल पहले ही पता चला था। मतलब ये तो एक बीमारी का नाम ही ऐसा है जिसे सुन के बंदा डर जाता है। उनको नॉर्मल गांठ थी, हम मेरठ उसकी जो है नॉर्मल जांच कराने गए थे। उसके बाद उन्होंने कहा FNC कराओ, तो रिपोर्ट में अपना जो है कैंसर निकल आया, तो हमारे तो पैरों तले जमीन निकल गई। तो कुछ ऐसा ही हाल था। बाकी फिर हमने ये ट्रीटमेंट इसका शुरू किया कि सीधा राजीव गांधी में दिखाया हमने, वहाँ टेस्ट लिखे, फिर पता लगा। फिर मेरी सिस्टर ने बताया एक आयुर्वेदिक अस्पताल में, हम वहाँ गए। फिर वहाँ पर एक मेरे साथ ही बेड पे थे क्लाइंट, जो मतलब पेशेंट थे नागपुर से, तो उनका ट्रीटमेंट यहाँ से था चल रहा, डॉक्टर जमाल जी के यहाँ से। तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप उनके पास जाइए। तो हमने फिर एक दिन अपॉइंटमेंट ली वहीं से, फिर डॉक्टर जमाल खान जी से हम मिले। अपना हमने मन पक्का कर लिया कि हम यही इलाज कराएंगे। नहीं, उसके बाद भी जब हमने अपॉइंटमेंट ले ली उसके बाद भी लोग कह रहे कि नहीं तुम कीमो कराओ रेडियो कराओ, नहीं तो दोबारा दिक्कत हो जाएगी। जी ट्रीटमेंट मेरा बस एकदम से, हमने एकदम से ही शुरू कर दिया था। जैसे 2019 में हमें अक्टूबर के करीब पता लगा था और उसके बाद ही हमने सीधा राजीव गांधी में दिखाया, वहाँ टेस्ट करवाए और टेस्ट में फिर यही आया कि सर्जरी करवानी पड़ेगी। तो हमने कहा ठीक है सर्जरी करवा लेते हैं, बट कीमो नहीं करवानी मुझे। मुझे यही था कि मुझे कीमो नहीं करवानी है, रेडिएशन नहीं करवानी है। तो सर्जरी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उन्होंने सेकंड स्टेज बताई थी हमें, तो उसके बाद वो कह रहे थे यहाँ पे कीमो और रेडियोथेरेपी लेनी पड़ेगी। तो लेकिन हमने कीमो और रेडियोथेरेपी नहीं ली और फिर हम डॉक्टर जमाल खान के पास गए। उन्होंने कहा आपको कोई ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने ये सेल थेरेपी का हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट करा। कीमो के लिए एक स्टेमिना चाहिए, मुझे नहीं लगता था कि मेरे अंदर वो स्टेमिना है कीमो को सहन करूँ मैं उससे। मतलब क्या सुना है कि काफ़ी कमज़ोरी आ जाती है, तो और मेरे को नहीं लगता था कि मैं इतना सहन कर पाऊँगी। सर्जरी कर सकती थी मैं बट कीमो से मुझे डर लगता था। अधिकतर तो हमारी फैमिली ने सबने मना किया कि आप सर्जरी ना करवाओ, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लो, बट मैंने कहा सर्जरी मैं करवाऊँगी क्योंकि अंदर की गांठ मैं नहीं जानती कि कितनी फैल जाएगी। अभी तो लगता है कि थोड़ी है और फिर वो कहाँ कहाँ फैलेगी मुझे नहीं पता चलेगा।
देखो मुझे जब मुझे पता लगा, जब डॉक्टर साहब से पूछा ट्रीटमेंट क्या है कैसे है, तो मुझे ये ट्रीटमेंट सही लगा, अच्छा लगा कि इसमें मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है। मेरा ब्लड लिया जाएगा और उसे ही प्योरीफाई करके दिया जाएगा। इतना तो हमें भी पता है कि हाँ वाइट सेल और रेड सेल होते हैं, वाइट सेल जो है हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, तो इसे ये थेरेपी मुझे अच्छी लगी। मेरे हस्बैंड को था कि जैसे उन्होंने कीमो बोला है तो ये कीमो मना कर रहे हैं, तो इन्होंने काफ़ी फोर्स भी किया कि सर आप कीमो कर दीजिए कर दीजिए, क्योंकि उन्हें डर था, बट मैं तो नहीं चाहती थी। तो हमने सर से पूछा, मैंने कहा भी सर से कि अगर आपको जरूरत पड़ रही है तो आप लगा दो डोज, लेकिन उन्होंने कहा नहीं आपका इसी से ठीक हो जाएगा, आपको जरूरत नहीं है कीमो की और रेडियोथेरेपी की। तो अब डॉक्टर तो हमारे लिए तो भगवान है, जो डॉक्टर कहेगा उनकी बात तो माननी पड़ेगी। तो मेरी 6 डोज वहाँ से चली, तो 6 डोज के बाद लगभग ये कोरोना आ गया, फिर हम अपना टेस्ट नहीं करवा पाए, तो टेस्ट फिर हमारा थोड़ा सा लेट हो गया। तो अभी हमने करवाया, तो उसके बाद हमने रिपोर्ट दिखाई और उन्होंने फिर हमें 2 डोज अपनी तरफ से एक्स्ट्रा दी। वीकनेस रहती थी मैडम के शरीर में, तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होनी शुरू होगी। फिर उसके बीच हमने इनकी डोज पूरी होने के बाद पैट सिटी कराया एक बार, फिर डोज ख़त्म होने के लगभग 8 महीने बाद भी हमने दोबारा पैट सिटी कराया, रिपोर्ट हमारी नॉर्मल आई। रिपोर्ट डॉक्टर साहब ने कहा कि नॉर्मल है, कोई परेशानी नहीं है, ऐसा एक गोली है जो बस चल रही है मेरी हार्मोन की, इसके अलावा मेरा और कोई ट्रीटमेंट अभी नहीं चल रहा। इस ट्रीटमेंट से कोई परेशानी नहीं हुई कि मुझे बेड रेस्ट करना पड़ा या मुझे काम में कोई परेशानी हुई, हर तरह से मैं जैसे नॉर्मल थी वैसे ही नॉर्मल। मतलब इस ट्रीटमेंट में अगर आप जैसे कीमो कराते हैं तो उसके बाद 6-7 दिन आप बेड पे पड़ते हैं, आपको होश नहीं होता, बट इसमें मैं बिल्कुल नॉर्मल थी। ब्रेस्ट कैंसर एक यंग वुमन में जब होता है तो वो ज़्यादा डिवास्टेटिंग एक्सपीरियंस होता है कंपेयर टू जब किसी ओल्डर फीमेल में होता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कैंसर एक ओल्ड एज की बीमारी है और ये मोस्टली जब वुमेन अपने 60s और 70s में होती तब ज़्यादा इसको पाया जाता है, लेकिन आजकल के ज़माने में हमको ये भी मालूम है कि अब ब्रेस्ट कैंसर यंगर पॉपुलेशन में भी हो रहा है, यंगर फीमेल्स में भी। जब हम यंगर फीमेल्स की बात करते हैं तो वुमेन इन देयर 20s 30s एंड 40s उस एज ग्रुप की हम बात कर रहे हैं। तो जब कैंसर इस एज ग्रुप में होता है तो जाहिर सी बात है कि पेशेंट को डिस्ट्रेसिंग एक्सपीरियंसेस ज़्यादा होते हैं। उसकी वजह यह है कि कैंसर जब ये डायग्नोस होता है तो ये ज़्यादा बड़ा होता है, ज़्यादा एडवांस स्टेज पे होता है और मोस्ट लाइकली ये स्प्रेड भी कर चुका होता है लिम्फ नोड्स में। इसके साथ में इसकी जो बायोलॉजी होती है वो बहुत एग्रेसिव होती है, यानी कि ये मोस्टली ज़्यादा एग्रेसिव ट्यूमर्स होते हैं और इनको का जो ट्रीटमेंट होता है वो भी ज़्यादा एग्रेसिव यूज़ किया जाता है इनको ठीक करने में, जिसकी वजह से फिर फर्दर साइड इफ़ेक्ट्स और कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और उनमें से एक अहम कॉम्प्लिकेशन है इनफर्टिलिटी। क्योंकि ये औरतें जो होती हैं चाइल्ड बियरिंग एज में होती हैं तो इनफर्टिलिटी जो होती है वो एक प्रॉब्लमेटिक एरिया होता है। इनफर्टिलिटी इसलिए होती है क्योंकि जो कीमोथेरेपी और हार्मोन थेरेपी दी जाती है उससे ओवेरियन फंक्शन रिड्यूस या डैमेज हो जाता है। इसलिए ब्रेस्ट कैंसर लंप को जल्दी पकड़ना बहुत ज़रूरी है, जितनी जल्दी पकड़ेंगे उतने ही ज़्यादा बेटर चांसेस होंगे रिकवरी के, सर्वाइवल के और ट्रीटमेंट ऑप्शंस ज़्यादा होंगे। ब्रेस्ट कैंसर की डायग्नोसिस एक यंग फीमेल में इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि ये काफ़ी डिसरप्टिव या फंक्शनिंग में होती है, विच मीन्स के ये काफ़ी लाइफ को डिस्टर्ब करती है, डेली डे टू डे एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनकी वो अफेक्टेड हो जाती हैं कंपेयर टू अ ओल्डर फीमेल। इसमें उनका करियर अफेक्टेड हो सकता है, उनकी लाइफ अफेक्टेड हो सकती है, उनकी मैरिज और उनका जो फैमिली जो है वो अफेक्टेड होती है, उनके बच्चे परेशान होते हैं और पूरा एक घर का जो एक सिस्टम होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोसिस अर्ली करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि जो यंगर फीमेल्स होती हैं उनमें लम्प्स जो होते हैं वो बहुत कॉमन होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द लम्प्स जो होते हैं वो यंगर फीमेल्स में ही होते हैं जो पाए जाते हैं, और ब्रेस्ट कैंसर जो होता है लंप की तरह ही प्रेजेंट करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। सो करीब 90% ऑफ द टाइम जब ब्रेस्ट कैंसर होता है वो लंप की फॉर्म में ही प्रेजेंट करता है। तो ये लंप जो होते हैं ये क्योंकि एक फीमेल में लंप्स, हाँ हमें मालूम है यंगर फीमेल में लंप्स बहुत कॉमन होते हैं, ब्रेस्ट खुद एक लंपी सा ऑर्गन है, तो जब ब्रेस्ट लंप कोई होगा
तो उसमें ये भी जानना ज़रूरी है कि 60-80% जो लम्स होते हैं वो बेनाइन होते हैं, और बेनाइन का मतलब ये है कि उनको कोई ख़ास ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत डेंजरस नहीं होते। कभी कभी कुछ पॉसिबिलिटी होती है कि वो कैंसर में बदल जाएँ, तो उस केस में उनको खाली फॉलो अप करने की ज़रूरत होती है। तो वो लम्स जो कैंसर के लम्स होते हैं उनको कैसे पहचाने, उसके लिए मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ। एक तो ये कि अगर लम्प हार्ड है और फर्म है, यानी कि फर्म का मतलब थोड़ा सख्त है और वो पेनलेस है, ज़्यादातर लम्प्स पेनलेस होते हैं जो कैंसर कॉजिंग लम्प्स होते हैं, तो जो लम्प पेनलेस हो और हार्ड हो, फर्म हो, इरेगुलर हो, नॉन मोबाइल हो, मोस्टली एक ही साइड में होता है मोस्टली, और मोस्टली वो सॉलिट्री नोड्यूल ही होता है, सॉलिट्री लम्प की तरह ही प्रेजेंट करता है, तो इस टाइप का लम्प अगर है किसी यंगर फीमेल में तो फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन कराएं। ऐसा भी होता है कि लम्प्स जो होते हैं वो अपना साइज़ चेंज करते हैं जैसे जैसे मंथली साइकिल होता है, तो क्योंकि हार्मोन जो स्टेटस होता है वो चेंज करता रहता है हमारे जब हम जो पूरे पीरियड्स के दौरान, तो लम्प का साइज़ भी उसी हिसाब से बढ़ सकता है और कम हो सकता है। लेकिन ये वो लम्प्स हैं जो बेनाइन लम्प्स होते हैं। अगर ये लम्प कैंसर लम्प है तो फिर उसका साइज़ कम नहीं होता है, क्योंकि कैंसर का जब एक बार कैंसर बनने लगा तो फिर वो साइज़ रिग्रेस नहीं करेगा हार्मोन्स के स्टेटस से, तो कोई साइक्लिकल वेरिएशन नहीं होगा, यानी कि लम्प जो होगा वो परसिस्ट करेगा, वो एज इट इज़ रहेगा और वो प्रोग्रेस भी करेगा। तो कैंसर के लम्प्स जो होते हैं वो परसिस्टेंट होते हैं और प्रोग्रेसिव होते हैं। परसिस्टेंट का मतलब वो लम्प जो 6 वीक से ज़्यादा हो तो उसको अटेंशन चाहिए, दैट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड फर्दर। इसलिए ये माइंड में रखिए कि कोई भी लम्प, कोई भी एनी ब्रेस्ट चेंज या कोई आर्मपिट्स में स्वेलिंग, कोई भी चीज़ ऐसी हो और आपकी एज कम है तो आप फिर उसको इग्नोर नहीं करें, उसकी इन्वेस्टिगेशन कराएं, अपने आप को ज़रूर डॉक्टर के पास लेकर जाएं। इसमें आपके लिए 2-3 चीज़ें जानना ज़रूरी हैं। एक तो आप ब्रेस्ट एग्जामिनेशन आप खुद कर सकती हैं, जिसको हम सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कहते हैं। आप जो सेल्फ़ एग्जामिनेशन है वो आप अपने घर में खुद कर सकती हैं, एवरी मंथ इसको करिए जस्ट टू बी श्योर कि ये कैंसर नहीं बने। दूसरी चीज़, अगर आप जो है वो अपने डॉक्टर से एग्जामिनेशन करा सकते हैं, जिसको हम क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कहते हैं, इसमें आप अपने किसी लेडी गायनोकोलॉजिस्ट के पास चले जाइए, किसी सर्जन के पास चले जाइए, अपना ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन किसी ट्रेंड फिजिशियन से कराइए। इस जांच को हर 6 महीने पे भी करा सकते हैं अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है। तीसरी जांच जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है मैमोग्राफी। मैमोग्राफी की जो एज है मोस्टली वो 45 और 40 है। 40 ईयर्स की एज पे जब रेकमेंडेड है अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, तो मैमोग्राफी एक अच्छी जांच है जो कि ब्रेस्ट कैंसर को जल्दी पकड़ने में हेल्प करती है। इसके अलावा एक अल्ट्रासाउंड ऑफ द ब्रेस्ट भी बहुत अच्छी जांच है। अगर आप यंग एज फीमेल है, फॉर एग्जांपल वो अब 20s में है, 30s में, तो फिर अल्ट्रासाउंड ज़्यादा सेफ जांच है, इसलिए क्योंकि मैमोग्राफी में थोड़ा बहुत रेडिएशन का रिस्क रहता है और ब्रेस्ट टिश्यू अभी भी सेंसिटिव है, यंग है, तो एक्सपोजर टू रेडिएशन अवॉइड करना चाहिए जहाँ तक हो सके। और इसलिए भी अवॉइड कर सकते हैं हम ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड ही कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो बीमारी होती है वो बेनाइन ही होती है, जो लम्प्स होते हैं वो बेनाइन होते हैं, तो सिर्फ उस जगह पर मैमोग्राफी की जाए जहाँ पर ये बेनाइन लम्प को लगे कि नहीं ये सस्पिशियस है, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये डिफरेंट किस्म का लम्प है, तब आप मैमोग्राफी करा लिए, नहीं तो एक ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड भी जांच के लिए इनफ है। साथ में नीडल बायोप्सी बहुत अच्छी जांच है। नीडल बायोप्सी में टिश्यू निकालते हैं और उसकी जांच की जाती है, इमेज गाइडेड, जो अगर लम्प ऐसा है जो सस्पिशियस नेचर का है तो उसमें फिर नीडल से जो है टिश्यू निकालते हैं, और वो एक पर्टिकुलर किस्म की नीडल होती है, उससे टिश्यू निकाल के उसका स्टडी किया जाता है माइक्रोस्कोप में। और इसके अलावा MRI भी एक ऐसी जांच है जिससे कि मालूम कर सकते हैं जहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा हो कि ये ब्रेस्ट कैंसर है कि नहीं। एक चीज़ मैं आपको बताते चलूँ कि अगर कोई लेडी जो ओल्डर एज फीमेल्स होती हैं, यानी कि 60s में, 70s में, या जो कि पोस्ट मेनोपॉजल होती हैं, यानी कि उनमें मेनोपॉज हो चुका है, उन फीमेल्स में ये कोई भी लम्प अगर प्रेजेंट है तो उसकी जांच बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो मोस्ट लाइकली कैंसर का लम्प ही होगा। तो कोई भी लम्प अगर पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल में है, सो दैट हैज़ टू बी इन्वेस्टिगेटेड फर्दर। लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी कि ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका कि चांसेस ऑफ रिकवरी और सर्वाइवल बहुत अच्छा है,
और क्योंकि इसमें बहुत रिसर्चेज हुई हैं, बहुत एडवोकेसी हुई है, बहुत लोगों ने इसके ऊपर बात की है, इसलिए इसके ट्रीटमेंट्स के ऊपर बहुत थॉरो रिसर्च हुई है और बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं इसके। लेकिन इसमें शर्त यही है कि आप इसको जल्दी पकड़ें और इसका टाइम पर इलाज शुरू हो। इस बीमारी को रख के मत बैठिए। अगर आपको लंप है और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सस्पिशियस लंप है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें एक शुबा हो सकता है, तो फिर आप अपनी जांच ज़रूर कराइए। शुक्रिया बहुत बहुत।